अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नोकिया के जो कार्बन के प्रिंट वाले मोबाइल होते हैं, इनका प्रिंट बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है या रिमूव हो जाता है, या कोई कोई बटन हमारे काम करना छोड़ जाते हैं। तो उनका आसान हल हम आपको आज बताएंगे। हमारे जो पास जो ये नोकिया का मोबाइल है की पैड, इसका कार्बन का प्रिंट है और इसका जो मैनी वाला बटन है इसका प्रिंट अपनी जगह से उतर गया है। इसकी जो प्रिंट जहाँ से आ रहा था वहाँ से उसके रास्ते में थोड़ा सा उसके वो गैप आ गया है और प्रिंट ब्रेक हो गया है हमारा, जिसकी वजह से बटन नहीं काम कर रहा है। लेकिन बाकी सारे बटन काम कर रहे हैं, लेकिन ये मैनी वाला बटन काम नहीं कर रहा है इसका। ये देखें, इसको हम जब वहाँ प्रिंट के पीछे से अपनी ट्यूज़र लगाएंगे तो काम करेगा। ये देखें, अब इसका एक बहुत ही आसान हल है जो कि हम आपको बताने लगे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटे से बबल की ज़रूरत है, ये कीपैड मोबाइलों में आम होता है। इसका हमने एक, ये देखें, यहाँ से एक उतार लेना है। और इसके अलावा हमें दूसरी चीज़ की और ज़रूरत है, वो है टेप, सलोशन टेप, वो जो कि हर किसी के पास होती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि ये बस इन्हीं दो चीज़ों का काम है। इसमें ना ही हमें किसी कार्वे की ज़रूरत पड़नी है, ना ही टांका लगाना है, ना ही कोई जंपरिंग करनी है। ठीक है, हमने ये आसान सा हल ये करना है, बस इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़नी, टेप की और इस बबल की। ठीक है, अब ये टेप हम छोटा छोटा सा पीस हमने काट के इस पर लगा देना है, इस तरीके से देखें। और हमने इस तरीके से इसको ऐसे लगाना है कि इसका एक किनारा पहले प्रिंट की तरफ हो और दूसरा किनारा हमारे पॉइंट की तरफ हो। ये देखिए, ये हमारा मसला हो गया है हल। ठीक है, और इसके बाकी बटन तो काम तो सही करते हैं, लेकिन एहतियातन हम उनकी भी सफाई करते हैं। देखिए, आगे बता देंगे इस तरीके से हमने बटन की सफाई करनी होती है। अगर कोई हमारा बटन काम कर रहा है या अड़ रहा है या फिर ज़्यादा दबाने पे काम करता है या फिर बिल्कुल काम नहीं करता, तो इस तरीके से भी हमारा ये मसला हल हो जाता है। इससे हमने मोबाइल को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इन बटनों को हमने साफ़ करना होता है अच्छी तरह। इनके दरमियान में कार्बन आ जाता है जो कि साफ़ करने से ठीक हो जाता है। देखिए, इस तरीके से हमने इसको फिट कर देना है। इसकी हमने केसिंग लगा देनी है इसको साफ करके। ये देखें, इस तरीके से इसको हमने फिट करना है। फिर अब इसके हमने हड्डी लगानी है इसमें। ताकि बैटरी फिट कर सकें। ये देखें, इस तरीके से हमने ये लगा देंगे इसमें। और अपने बैटरी डाल के इसको हमने ऑन करना है। हम आपको दिखा देंगे कि इसके सारे बटन ठीक हो चुके हैं और काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने। दोस्तों, ये पार्ट बहुत सारे मोबाइलों में आते हैं, ज़्यादातर चीनी मोबाइलों में आता है जिनके की पैड कार्बन के होते हैं। अक्सर जो मैकेनिक होते हैं वो सफाई करते वक्त ना इनको रिमूव कर बैठते हैं, तो उसका फिर ये हल होता है हमारे पास। ये देखिए, बटन सारे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एक के ऊपर नीचे आगे पीछे सब सही काम कर रहे हैं। मैंने के बटन भी हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, हल्का सा दबाने पे ही काम कर रहा है। आपको इस किस्म के मिलते जुलते किसी भी मसले में हमारी मदद की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है मैंने। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।